इस तपती गर्मी में नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय जैसा कि दो साल बाद कोरोना काल के बाद दोबारा डाक कावड़ या ये कहें कावड़ का ये महापर्व शुरू हुआ है, और इसमें डाक कावड़ हो, पैदल यात्रा हो या ऐसी जो भी कांवड़े हैं वो लगातार 2022 के इस महापर्व में, इस महाकुंभ में लोग इसमें यात्रा कर रहे हैं और जगह जगह से आ रहे हैं हरिद्वार। हम आज हरिद्वार ही चल के आपको दिखाते हैं कि पूरे रास्ते का नज़ारा कैसा होता है और किस तरीके से भक्त भगवान शिव को इस सावन मास में मनाते हैं। नीलकंठ जाते हैं, माँ गंगा का जल उठाते हैं, शिव भगवान को मनाते हैं, और इस साल तो लोग अमरनाथ, केदारनाथ और बद्रीनाथ तक लोग जा रहे हैं। हम भी ये यात्रा, हालांकि हम बाइक पर यात्रा तय करेंगे जो करीब 210 किलोमीटर के आसपास का ये पूरा रास्ता होगा, ये 210 किलोमीटर हम कवर करेंगे बाइक पे, और आपको पूरे रास्ते हम दिखाएंगे कि किस तरीके का उत्साह इन शिव भक्तों के अंदर रहता है और कांवड़ यात्रा किस तरीके से लोग मनाते हैं और कैसे कैसे अपने भगवान शिव को, अपने आराध्य को रिझाते हैं। लोग लाखों रुपये खर्च करके बड़ी बड़ी कांवड़े, डाक कांवड़े सजाते हैं और सवारते हैं, और उसका नज़ारा क्या होता है हम दिन में भी दिखाएंगे आपको और रात का भी नज़ारा दिखाएंगे। बड़े बड़े डीजे दिखाएंगे और बड़ी बड़ी भव्यता दिखाएंगे इन महाकुंभ में, इन कांवड़ यात्रियों की, इन कांवड़ भक्तों की जो भगवान शिव को मनाते हैं। आइए हम शुरुआत करते हैं। इस समय हम खड़े हैं दिल्ली और यूपी के बॉर्डर पर, जो कि भोपुरा बॉर्डर है, और हम यात्रा यहाँ से शुरू करते हैं और आपको इसका पूरा नज़ारा दिखाते हैं। मेरे साथ आदित्य हैं, ये भी मेरे साथ बराबर काम करते हैं चैनल पे हमारे, और ये अब हमारे साथ चल रहे हैं और हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, इस समय हम खड़े हैं उसी रोड पे जो भोपुरा बॉर्डर है। आपको चश्मे, जिसे सनग्लास कहते हैं हम, स्पेक्स कहते हैं, ये वो है। और ये देखिए, भगवान शिव के सभी झंडे यहाँ पे मिल रहे हैं और साथ ही साथ राष्ट्रीय ध्वज भी यहाँ मिल रहे हैं, तिरंगा। आप देखिए, यहाँ पूरे रोड पे ऐसे ही नज़ारे आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ वो भोले के भक्त जो बाइकों पे जा रहे हैं, गाड़ियों में जा रहे हैं, वो लगातार यहाँ रुकते हैं और छोटे से बड़े तिरंगे झंडे लगाते हैं अपनी गाड़ियों पे, ऐसे भगवान शंकर के ऐसे ध्वज लगा के चलते हैं। और यह अपने आप में एक अनूठा एक्सपीरियंस है जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आप देखिए, पूरे रास्ते आपको ऐसे दिखाई देगा। और यह भोपुरा का हिंडन रोड है जो कि आगे जाके राजनगर और गाजियाबाद में मिलता है, और आप देखिए ये पूरे रास्ते नज़ारे आपको ऐसे ही दिखाई देंगे। ये भगवान शिव के, जैसे हमने बताया कि भोले निकल रहे हैं आज कांवड़ यात्रा पे डाक कांवड़ बाइकों से। ये देखिए, इन्होंने ध्वज लिया है और ये अपने अपनी बाइकों में लगा रहे हैं, और ऐसे ही पूरे रास्ते लोग ध्वज लेते हैं, ऐसे झंडे लेते हैं तिरंगे, और अपनी बाइकों पे ऐसे ही बांध के चलते हैं। और ये देखिए, ऐसा जो हम बता रहे थे आपके सामने वो नज़ारा है। ये देखिए, तिरंगे के बड़े बड़े झंडे, छोटे हों बड़े हों, ऐसे झंडे लोग लेते हैं यहाँ पे, अपनी बाइकों पे लगाते हैं और साथ ही साथ भगवान शंकर के ऐसे ध्वज लगाते हैं। और देखिए कैसे बांध रहे हैं ये लोग, और ऐसे ही लगा के अब ये पूरी यात्रा करेंगे और वापस हरिद्वार से माँ गंगा का जल भगवान शिव को मनाते हुए लेके आएंगे और अपने घरों पे, अपने आसपास के मंदिरों में चढ़ाएंगे। तो हम भी एक बार जयकार लगाते हैं, बोल शंकर भगवान की। ये देखिए, हम जैसा कि हमने बताया, हम यूपी में एंट्री कर चुके हैं, और यह
राजनगर एक्सटेंशन के पीछे का है साहिबाबाद एरिया पड़ता है और ऐसा प्रशासन यूपी प्रशासन जैसा कहा गया था काफी अलर्ट पे है और बहुत अपनी ड्यूटी बहुत तत्परता से निभा रहा है। हर जगह हर चौक चौराहे पे ऐसे आपको पुलिसकर्मी दिखाई देंगे। हम इन्हें सैल्यूट करते हैं कि इस भयंकर गर्मी में इतनी धूप में दिन रात ये लोग अपनी ड्यूटी कर रहे हैं और यह नज़ारा आपको पूरे यूपी और उत्तराखंड में दिखाई देगा और हम आपको जगह जगह ऐसी तस्वीरें दिखाएंगे। राजनगर एक्सटेंशन पार कर चुके हैं और मेरठ मोड़ पे हम आ चुके हैं जो सीधा मेरठ से होता हुआ गाजियाबाद, मोदीनगर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर होता हुआ यह सीधा रुड़की और उत्तराखंड में एंट्री करता है रुड़की से और यह वही रोड है जिसको हम मेरठ हरिद्वार रोड बोलते हैं। और ये देखिए हम आ चुके हैं नेशनल हाईवे पे जो मेरठ से होता हुआ हरिद्वार जाता है और अब हम आपको इस पे वो नज़ारे दिखाएंगे जो आप देख के कहेंगे कि हाँ सही में भगवान शिव के ये भक्तों का नज़ारा देखने लायक होता है। और ये सावन मास का यह जो मेला चलता है यह किस तरीके का होता है और लोग कितना श्रद्धा और विश्वास से इस पे भगवान शंकर का वो जल लेके आते हैं। अब हम आपको ये करके नज़ारे दिखाते हैं। देखिए ये भगवान शंकर का ये रुद्र अवतार जो इन भगवान के भक्तों ने झांकी के रूप में उकेरा है और ये देखिए जय भोले की जय भोले की। ये देखिए इस तरीके का नज़ारा आपको पूरे हरिद्वार तक दिखाई देगा और ऐसे भी भक्त हैं जो ये देखिए कई किलोमीटर की यात्रा नंगे पैर और पैदल चल के करते हैं और ये भगवान शंकर का जल लेके आते हैं। और ये देखिए ये देखिए माताएं बहनें भी हैं, ये भोली भी हैं जो लगातार ऐसे जल लेके आ रहे हैं हरिद्वार से। इसमें बच्चे हों, बड़े बुजुर्ग हों, माताएं बहनें हों, सभी ऐसी भावना रखते हैं। और ये देखिए किस तरीके से यहाँ ये लोग इस कांवड़ का जल लेके पहुँच रहे हैं अपने ईष्ट अपने आराध्य भगवान शंकर को मनाने के लिए और बहुत मेहनत करते हैं ये लोग। करीब 210 किलोमीटर पैदल यात्रा करते हैं ये लोग और जो हम लोग कहते हैं कि हम लोग बहुत थक गए हैं, बहुत भारी वजन है, एक बैग हमसे नहीं संभलता, यह लोग 210 किलोमीटर की यात्रा ऐसे नंगे पैर चल के करते हैं और लगातार जल को अपने कंधे पे अपने शरीर पे धारण करके चलते हैं और इसी से भगवान शंकर का रुद्राभिषेक करते हैं। और एक चीज़ और हम आपको दिखा दें, ये देखिए यह दो रास्ते हैं, एक रास्ता एक आध दिन बाद बंद हो जाएगा मगर यह पूर्णतः दूसरा रास्ता जो दिल्ली जाता है हरिद्वार से वो रास्ता कांवड़ियों के लिए एक तरीके से पैक हो जाता है और इनके लिए ही ये रास्ता बनाया जाता है ताकि ये लोग अपनी यात्रा सुगम और सुरक्षित तरीके से कर सके। और योगी सरकार की जितनी भी तारीफ़ की जाए वो कम है कि लगातार उनकी तरफ से चाहे पुलिस प्रशासन हो, सफाई की व्यवस्था हो, भोजन पानी की व्यवस्था हो, वो लगातार हो रही है और बहुत अच्छे तरीके से लोग कर रहे हैं। ये देखिए ये लोग गाड़ी से लेके आ रहे हैं जल और ये देखिए जय भोले की जय भोले की हर हर महादेव। ये देखिए गंग नहर पे मुरादनगर गंग नहर और इसको छोटा हरिद्वार बोलते हैं। ये देखिए ये कांवड़ियों का यहाँ जमघट लगा हुआ है, मेला लगा हुआ है और हम आपको दिखाते हैं यहाँ से छोटा हरिद्वार। ये आप मेरे सामने उस साइड देख रहे हैं, ये छोटा हरिद्वार कहलाता है जहाँ लोग अक्सर जो हरिद्वार नहीं जा पाते वो यहाँ आके नहाते हैं। और यहाँ अगर आप यूपी में आएंगे तो सबसे पहले माँ गंगा का यहाँ पे ही आपको दर्शन होता है। ये देखिए ये गंग नहर है जो सीधा हरिद्वार रुड़की होते हुए यहाँ से आती है और साथ ही साथ यहीं से रास्ता कटता है। अगर आप हरिद्वार जाना चाहते हैं तो पैदल कांवड़ियों का और बाइक वालों का इधर से रास्ता है, वैसे नेशनल हाईवे जो है वो ये है। ये देखिए इसे कहते हैं भयंकर डीजे और हम आपको एक से बड़े एक डीजे दिखाएंगे और साथ ही साथ शंकर भगवान के अलग अलग रूप भी दिखाएंगे और आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे भगवान शंकर की है मूर्ति है।
इतना भयंकर डीजे है, ये देखेंगे इस तरीके से बजा है ये। ये कपिल डीजे है और इसका भी नजारा देखिए, इतने बड़े बड़े डीजे जो आपने शायद ही अपनी लाइफ में देखे होंगे। साथ में ऐसी श्रद्धा, ऐसी मेहनत भी आप देखिए। राम मंदिर यहाँ पे दिखाया गया है और उनका ये अद्भुत नजारा, ये अद्भुत इस तपती गर्मी में इतनी मेहनत करके भोले जिस तरीके से कांवड़ लेके आते हैं, ये देखिए। उनको थोड़ा सा शीतलता देने के लिए, उनको थोड़ा विश्राम आराम देने के लिए यहाँ फुहारे लगाए गए हैं, जहाँ आके भोले नहाते हैं ताकि थोड़ी देर उनको आराम मिल सके, इस गर्मी चिलचिलाहट धूप से उनका बचाव किया जा सके। ऐसे भी भक्त हैं जो ऐसे अरेंजमेंट करते हैं और इन लाखों करोड़ों भोले जो यहाँ आते हैं उनका काफ़ी पुण्य उनको भी मिलता है ऐसे काम से। और हम अब आ चुके हैं हरिद्वार में, ये देखिए माँ गंगा साथ में चल रही हैं। सामने आप देखिए मनसा देवी मंदिर है माँ मनसा देवी का, और इधर आप देखेंगे ऊपर चोटी पे टॉप पे पहाड़ पे तो वो माँ चंडी देवी का मंदिर है जो सबसे ज़्यादा इस एरिया में फेमस है, और जो लोग यहाँ आते हैं हरिद्वार ऋषिकेश वो यहाँ दर्शन ज़रूर करते हैं। और फाइनली हम हरिद्वार आ चुके हैं, ये देखिए